बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। कैसे हैं शाज़ेब? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक शाज़ेब। आई गेस हलचल मची हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। चंद दिन बाद जो है वो PSL स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे जहनों में सवाल हैं लोगों के जिन्होंने टिकट्स खरीदे हैं कि भाई हम जा पाएंगे क्या, पिछली दफा की तरह हमारे टिकट्स परचेज होने के बाद बीच में कहीं लटक के रह जाएंगे, जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बच्चे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, और बहुत सारी बातें ऑब्वियसली सुबनामा में आपको बताएंगे। लेकिन PSL की हलचल ऑब्वियसली आवाम में ज्यादा हो, बिल्कुल जो क्रिकेट हैं वो स्टेडियम में जाकर अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, मैचेस देखना चाहते हैं। और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि ये ना हो कि तमाम तमाशाइयों के आने पर पाबंदी लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25% तमाशाई आ सकते हैं स्टेडियम के अंदर और मैचेस देख सकते हैं, लेकिन लाजमी होगा कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास हों, और जाहिर बात है जब आप टिकट खरीदते हैं तब भी वो आपके लिए लाजमी होते हैं। मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, सामाजिक फासला इख्तियार करना है, इसी तरीके से आप स्टेडियम जा सकते हैं और मैचेस देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तमाम उम्र के अफराद जो है स्टेडियम जा सकेंगे। और डेफिनेटली ये शाज़ेब ने हमें अच्छी खबर दी है कि आप 25% लोग जा सकते हैं। मैं अच्छी खबर देता हूँ यार, ऑब्वियसली वेरी गुड। अब कुछ अहम शख्सियात की बात हो जाए कि कोविड से कोई बचा हुआ नहीं है। हम बार बार जब ये बात कर रहे हैं कोविड बढ़ रहा है, सुबह की मैसेज में हमेशा हम ये कहते हैं प्लीज मास्क पहने, प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्लीज जो है ये फासला बरकरार रखें और अपने एहतियात करें और वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन अब जो है ये बातें और ये खबरें असेंबली की तरफ से भी आ रही हैं। बिल्कुल, जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को करंटीना कर लिया है। जबकि वजीर खजाना शौकत तरीन का जो कोविड पॉजिटिव है वो भी आ गया है। इसके बाद वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे मखदूम जैन कुरैशी भी कोरोना का शिकार हो गए, और बताया ये भी जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद जो है वो भी कोरोना का शिकार हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोविड जब सामने आ रहे हैं केसेस और बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो आप प्लीज एहतियात करें। हम बार बार आपको यही कहेंगे कि आप एहतियात करें, ये एक पॉसिबल वे कोविड से बचने का। खैर आगे चलकर आपको ये भी बताएं कि जो सानिया मरी का मामला है उस पर एक हमने देखा था कि तहकीकात चल रही थी और अब मुतलका महकमों की गफलत साबित हो गई है। जबकि बताया जा रहा है कि जिले इंतजामिया पुलिस महकमा जंगलात रेस्क्यू 112 ने गफलत दिखाई और इसके साथ वजीर आला पंजाब ने 15 अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये ऐलान किया गया है, साथ साथ ऑब्वियसली कार्रवाई के भी हवाले से। और SCHD उनके जो वहां पर जितने भी लोग हैं वो काफी जो जिम्मेदारान थे उनको मुअत्तल किया गया है। साथ साथ वजीर आजम इमरान खान का रब्ता हुआ अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद के साथ टेलीफोनिक के जरिए, और इस बात की उसको कंडेम किया गया, इस बात की मजम्मत की गई कि इस तरह के जो हालात हैं ये अटैक हैं इनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, और जो अजीब बागियों की जानिब से हमला किया गया था उस पर मजम्मत की, और साथ ये भी कहा कि इलाकाई अमन सलामती के लिए ये शदीद खतरा साबित हो सकता है। साथ ही जो अबू धाबी के वली अहद हैं उन्होंने हमले में पाकिस्तानी जो एक शहरी है जो जान भाग हुआ है उस पर अफसोस और ताजियत का इजहार भी किया। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आपको ये बताया कि वजीर आजम ने नेशनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी का इजरा कर दिया है, जबकि जितने चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत को मिले वो माजी में किसी को नहीं मिले, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसा कहा। जबकि छोटे बिजनेसमैन को कर्जे के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं ताकि जो छोटे बिजनेसमैन है उनके लिए ये आसान हो सके कि वो इजिली अपना बिजनेस कर सके और उनको कर्जा भी दिया जा रहा है। तो अच्छे साइन है मेरा ख्याल है कि जहां पे इस वक्त में जहां बेरोजगारी हो रही है वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा रही हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन इसके बावजूद दूसरी साइड ये है कि एक रुकन असेंबली है नूर आलम खान साहब जो एक बार फिर हुकूमत पर ही तंकीद कर चुके हैं, जिनका ताल्लुक भी PTI से ही है, वो जो कह रहे हैं कि शुरू के 3 रोज हैं ये जिम्मेदार हैं वो वाली। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो पहली 3 कतारें हैं ये पाकिस्तान में महंगाई और जितनी मुसीबतें हैं उसकी जिम्मेदार है और इनका एहतसाब होना चाहिए। मतलब अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, मतलब उनके ऊपर भी पता नहीं क्या एक्शन होगा, लेकिन जहां इतने ऐसा रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टी डिसिप्लिन का नहीं है। अब हम आपको ये बताते हैं जिस तरीके से हमने सबसे पहले जिक्र किया सुबनामा में कि कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है और कोविड से बचने के लिए हम सबके लिए जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीन लगवाएं। हम तो बार बार ये कहते रहेंगे चाहे आप लोग अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि 10% से ज्यादा जो मुस्बत केसेस वाले शहर हैं वहां पर अब NCOC ने फैसला कर लिया कि तकरीबात पर पाबंदी होगी, बिल्कुल वहां पर इस्तेमाल नहीं होंगे, या अगर आउटडोर इस्तेमाल होंगे तो वहां पर 300 की लिमिट होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, और इजलास जो हुआ उसमें ये भी फैसले हुए जिसके बाद लाहौर में कल से छठी जमात तक के बच्चे जो लोग होंगे उनके अटेंडेंस 50% तक होगी, और इस हवाले से मजीद अपडेट भी होगी कराची और लाहौर से। कराची से हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज शिराज अहमद साहब हमें बताएंगे कि क्या अब जी शिराज।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और हालिया एदाद शुमार के मुताबिक कराची में कोरोना केसेस की शरह 40% से तजावज़ कर चुकी है और गुज़िश्ता रोज 7,000 से जायद जो है कोरोना के टेस्ट किए गए थे, जिसमें 2,900 केसेज जो है वो कोरोना के मुस्बत साबित हुए थे, जिस पर काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो कराची में इस वक्त बताई जा रही है और NCOC की जानिब से सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जिन शहरों में 10% से जायद कोरोना केसेस की तादाद देखी जा रही है वहां पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की गई है। इसके अलावा मजबे लगाने से भी जो है वो मना किया जा रहा है। इंडोर शादियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सोशल गैदरिंग्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर भी जो है वो डाइनिंग की जो सहूलत थी उसे भी ख़त्म करने के जो ऐलान हैं वो किए गए हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी इस हवाले से जो है वो आगाह किया है शहरियों को कि फौरी तौर पर जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें। इस बात का भी इकरार किया गया है कि SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से कोरोना केसेस की जो तादाद है वो तेज़ी से बढ़ रही है, खास करके कराची और हैदराबाद जो कि बड़े शहर हैं सिंध के, यहाँ पर कोरोना केसेस की जो मुस्बत केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और शहरियों को आए रोज़ जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो ज़रूरत है उसकी तलब जो है वो बढ़ती चली जा रही है, हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ों का रश है वो भी बढ़ता चला जा रहा है और अगर आवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो सिचुएशन ये सारे ऐलान तो हो गए हैं। थोड़ा सा मुझे शहरियों के हवाले से बताइएगा, शहरियों की क्या सूरत हाल है, क्या शहरी कुछ फॉलो कर रहे हैं SOPs, जब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल करते आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मार्केटें हों या दीगर दफातर, वहाँ पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा, खास करके शहरियों की जानिब से जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। रोड पर चलते फिरते लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मार्केटों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा, खास करके जो दुकानदार हैं जो कह रहे थे कि नो मास्क और नो सर्विस की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करवाएंगे, लेकिन वो अमल दरामद भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा और इसी जैसे जो हालिया दिनों में कोरोना केसेस की जो तादाद है उसमें बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है और इसी वजह से कराची में इस वक्त 40% से ज्यादा जो कोरोना केसेस की जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो मुस्बत आ रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद ना होना ही सबसे बड़ी वजह है कोरोना की वबा फैलने। अच्छा बिल्कुल, मैं ना जाना चाहूंगी लाहौर हमारे नुमाइंदे 92 फहीम अमीन साहब से। मुझे इधर बताइएगा फहीम कि इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन का जो एक वो वाली बात है खबर कि वो कब से शुरू हो रहा है, कब से जो है इसको फोर्स किया जाएगा या ये नजर आना शुरू हो जाएगा इसके रिजल्ट्स? जी अच्छा, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो तकरीबन 15% तक पहुंच चुकी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए NCOC के फैसलों को सामने रखते हुए सूबाई वजीर तलीम मुराद रास की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये कहा गया था कि छठी क्लास तक के जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले वहां पर तो हाजिरी जो है वो 50% तक महदूद कर दी जाएगी, वो उसका इतलाक आज से ही कर दिया गया है, जबकि 7वीं क्लास से अगर 10वीं तक के जो बच्चे हैं और यूनिवर्सिटीज जो है वो मामूल के मुताबिक खुलेंगी। दूसरी जानिब लाहौर और की जिली इंतजामिया जो है वो भी काफी मुतारिक हो गई है कोरोना के मरीजों को देखते हुए कि जो फैलाव है कोरोना का वो इंतहाई तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनडोर तकरीबात जो है डाइन इन जो है होटल्स में वहां पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तकरीबात के इनेकाद पर भी पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ 300 लोगों की जो तकरीब है ओपन एयर में वो हो सकेगी। अब बात कर रही थी कि जैसे कराची में शराज भी बता रहे थे कि लोगों की जानिब से अभी तक कोरोना के SOPs को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ जो समाजी फासला जो था जो इस हवाले से सबसे अहम था उसको भी नहीं इख्तियार किया जा रहा, जबकि अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज की तो उसके हवाले से भी लोगों की जानिब से अभी तक वो संजीदगी नहीं दिखाई जा रही जो दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि लाहौर की जिली इंतजामिया जो है वो अक्सर मकामात पर यहाँ पर कंपेन भी कर रही है, लोगों को कहा भी जा रहा है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं और जवान जो है बड़ी उम्र के वो फौरी तौर पर कोरोना की बूस्टर डोज जो है वो जरूर लगवा लें ताकि जो कोरोना के फैलाव और उसके जो असरात हैं वो जो है वो जाहिर किए जा सके। अगर बिल्कुल हम भी रोजाना की बुनियाद पर ये बात पहुंचाते हैं अपने नाजरीन तक कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं, बहुत जरूरी है।
यही वाहिद जरिया हमारे पास से बचने का। शराज और फहीम अमीन आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे इस हवाले से। इसी मौजू पर ही हम रहेंगे क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि अब जिस तरीके से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या सूरत हाल बनती जा रही है। तो हमने रब्ता किया है माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब से। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि पाबंदियां लग गई हैं और केसेस में इजाफा भी हो रहा है, शरह भी बढ़ती जा रही है मुस्बत केसेस की, अस्पतालों पर इस वक्त कितना दबाव है? जी वालेकुम सलाम। सो हस्पताल पे दबाव अभी बढ़ना शुरू हो रहा है एक्चुअली। अगर देखा जाए कि पूरे मुल्क में पिछले 3 दिन में तकरीबन 70% जो है वो एडमिशन्स बढ़े हैं, और इसको कंपेयर करें पिछले हफ्ते से तो 1 हफ्ते में तकरीबन डबल इजाफा हुआ। तो जो नंबर ऑफ एडमिशन जो लोग दाखिल हो रहे हैं वो अब बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही एक्सपेक्टेड था क्योंकि जब भी नंबर बढ़ते हैं तो दाखिले के रुख जो लोग करते हैं वो 1 से 2 हफ्ते बाद करते हैं। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, जो लास्ट अभी ये जो मंथ गुजरे हैं या कपल ऑफ मंथ्स गुजरे हैं, इसमें सूरत हाल ये बताइए कि ज्यादा किस वेरिएंट के जो हैं वो केसेस जो हैं वो पॉजिटिव सामने आए। जी डॉक्टर साहब। सो जी अब जो हमारे पास जो वेरिएंट आ रहे हैं ज्यादातर जो हम चेक कर रहे हैं, सब तो अभी चेक होते नहीं है, जितने भी हम चेक कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो ऑलमोस्ट 90% ज्यादा जो है वो ओमिक्रॉन के हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मालूम कैसे होता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है? फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई और है? क्योंकि कहा यह जा रहा है जो हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स से कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो लोग भी इसको थोड़ा लाइटली लेना शुरू हो गए कि अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो कोई बात नहीं, घर में करंटीना कर डेल्टा को भी लाइटली ले रहे थे। एग्जैक्टली, और हमें कंसल्ट करने की जरूरत नहीं डॉक्टर से। तो लोगों के लिए क्या हिदायत है, खासतौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप माहिर वबाई अमराज के लोगों के लिए खासतौर पर जो घरों के अंदर अपने आप को करंटीना कर रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या हिदायत देंगे? So, देखिए इसमें 2 चीज आपने पूछी, एक तो ये कि ये बिल्कुल जाना जरूरी नहीं है कि आपको ओमिक्रॉन है, डेल्टा है या दूसरा कोई वेरिएंट है, और ये हम लोग क्लिनिकली देखते भी नहीं है, इलाज सबका एक ही है। ओमिक्रॉन जो है वो होता थोड़ा तो माइल्ड जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर शदीद बीमारी नहीं होती है और अमात नहीं होते। तो ऑब्वियसली अगर किसी को ओमिक्रॉन हो तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इनको अमात नहीं होगी। घर पे प्रिकॉशन तो वही है जो आपको लेनी है, यानी कि अगर आपको है तो आप अपने कमरे में रहें। बिल्कुल प्रिकॉशंस तो वही है। डॉक्टर साहब सेकंडली मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हम हर साल देखते हैं, जब कोविड नहीं भी था डॉक्टर साहब, तो हर साल जब मौसम तब्दील होता है, सर्दियां जा रही होती हैं, आ रही होती हैं, तो ये नजला जुकाम बुखार ये सब बड़ी कॉमन एक होते हैं वायरल इन्फेक्शन। तो सर अब इस वक्त लोग भी यही कर रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली, मतलब ये नजला जुकाम वगैरह है, हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो कोविड टेस्ट कराना और उसके बाद प्रिकॉशंस लेना कितना जरूरी है? सो ये एक्चुअली नहायत जरूरी है। इसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो ये कि अगर ये जो आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं कोविड के, उसमें नजला जुकाम बिल्कुल बहुत नुमाया है, गले में दर्द बहुत होता है, मगर जाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर आपको कोविड है तो फिर आप दूसरे लोगों को फैला सकते हैं, खासतौर पर ऐसे लोग जिनके अंदर ये बहुत शदीद बीमारी कर सकता है, जैसे कि वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है या वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको दूसरे मसले मसाल हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप टेस्ट ना कराना चाहें या ना करा सकें तो फिर आप अज्यूम करें कि भाई आपको कोविड ही है, 1 हफ्ते के लिए फिर आप अपने आप को आइसोलेशन में रखें और फिर बाहर आ जाएं। राइट, बट डॉक्टर साहब ये तो उस सिनेरियो में है कि आपको पता हो कि आपको सिम्टम्स हैं, लेकिन जो डिनाइल है ना उसका रेशियो ज्यादा है लोगों में कि मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम बात कर रही हूँ अगर मैं एग्जैक्टली उन लोगों की जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो स्टाफ जो आता है बाहर से, उनको अगर थोड़ा बहुत भी नजर जुकाम होता है तो वो बकायदे रिजिड होते हैं, बड़े ना रिलक्टेंट होते हैं कि भाई टेस्ट करा लो जाके, भाई ऐसा क्या मसला है, अगर तुम्हें नजला जुकाम खांसी हो रहा है, क्योंकि वो इतने ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना डिनाइल में भी हैं और फिर वो सेल्फ उसमें भी डिफेंस में भी आ जाते हैं कि भाई नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। उस सूरत में टेस्ट कराने से क्यों इतनी रिलक्टेंस थी डॉक्टर साहब? सो बिकॉज लोग अक्सर ये लोग कहते हैं कि सभी लोग ये कहते हैं कि अगर आ जाए तो अब फिर क्या होगा, मगर एक चीज हम सबको याद रखने की जरूरत है, अगर आप SOPs फॉलो करें तो अगर कोई इन्फेक्टेड से आपकी मुलाकात भी हो तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। SOPs की वजह यही होती है कि आपको नहीं पता किन किन को ये कोविड है, तो अगर आप SOPs फॉलो करें तो आप फिर भी बचे हुए रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसमें बुखार, गला खराब, खांसी के साथ साथ पेट में दर्द की शिकायत भी बहुत आ रही है, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट में ये सिम्टम्स शामिल हैं कि पेट में दर्द भी होता है? अगर आप प्लीज बता भी देंगे कौन कौन सिम्टम्स हैं, एग्जैक्टली कौन कौन सिम्टम्स हैं जो आजकल शो हो रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के?
आजकल जो हमारे पास आ रहे हैं वो काफी लोगों को नज़ला, गले में दर्द, शदीद दर्द एक्चुअली, और फिर वही टेस्ट स्मेल तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आ रही. बुखार जो है वो शुरू के दिनों में होता है. एंड याद रखें, इवन तो लोग कह रहे हैं माइल्ड है, कंफ्यूजन ही होती है कि जब हम लोग कहते हैं, जब मेडिकल लोग कहते हैं कि माइल्ड है, तो उसका मतलब आपको एटलीस्ट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी. मतलब बीमारी जो है वो होती बहुत शदीद है, मतलब कुछ तेज बुखार, जिसम में दर्द, ये तो हो रहा था. इनफैक्ट मेरे लास्ट पेशेंट ने मुझे कहा था कि आप कहते रहे माइल्ड है, मगर मुझे तो लगा था कि बस मैं इतनी तबीयत खराब थी कि मैं लगा कि बस मैं मरने वाली हूँ. अल्लाह खैर करे. थैंक यू सच. हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद इस वक्त, वबाई अमराज स्पेशलिस्ट. एंड बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने कुछ चीज़ों के जवाब दिए जो हमारे जहनों में भी आए और हमें देखकर भी नमूदार हो रहे हैं. रहनुमाई फरमाते हैं, तमाम लोगों के लिए भी बड़ी ये बातें अच्छी साबित होती हैं, फायदेमंद साबित होती हैं, कि वो एटलीस्ट घरों पे बैठ के ये जान सकें कि जो उनको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक्शन क्या लेना है, कोविड टेस्ट कराना है, क्या करना है. जैसे मैं तो वाकई में थक जाती हूँ कभी कभी लोगों को बताने में और लोगों को समझाने में, और कभी कभी मैं भी खुद जो है ना, एक इंसान भी थक जाता है कि यार छोड़ो, अब किसको सुन ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा कि भाई अगर आपको नजर जुकाम हो रहा है तो आपके घर, अगर आपके घर में कोई बाहर से आ रहा है, स्पेशली द वर्कर्स, द हेल्प दैट वी हैव एट होम, तो वो भाई आप घर में आपके ज़ईफ़ हैं, घर में आपके बच्चे हैं, भाई नहीं आओ. अगर आपको नजर जुकाम बुखार और आप आराम कर लो, लेकिन नहीं. खैर एनीवे, ये और बहुत कुछ इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ. उस वे पाकिस्तान में शाज़िब अलमाया खान कर रहे हैं आपका इंतजार. एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया. आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाज़िब अहमद और माया खान के साथ. शाज़िब, मुझे लगता है जब भी गैलप सर्वेज होते हैं हमारे सामने वो पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाते. आई थिंक हम लोगों को इस पे हमें सपोर्ट भी हासिल होती है, हमें पता भी चलता है आवाम किस तरह और बहुत सारी आवाम की गलतियां अभी खुलकर सामने आती हैं. गैलप सर्वे में हम देखते हैं जो आवामी राय है, जब वो सामने आती है तो पता लगता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर और किस किस्म की लोग हरकतें कर रहे हैं. क्योंकि प्रॉब्लम ये सामने आई जब एक गैलप सर्वे किया गया, तो पता ये लगा कि जो घरों के अंदर जब हमें सर दर्द होता है, नज़ला जुकाम होता है, तो हम जो एक सेल्फ मेडिकेशन होती है वो ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम सर में दर्द हुआ ये ले लिया, डिस्प्रिन इन सब का इस्तेमाल कर लो. अच्छा, और एक और चीज होती है वो नीम हकीम खतरा जान वाली बात ना, कि अगर तुम्हें सर का दर्द हो रहा है, अच्छा कौन सी दवा ले रहे हो, ये ले रहे हो, मुझे भी ऐसा ही दर्द हो रहा है, मुझे भी ये दवा दे दो. एक तो मुझे समझ नहीं आता, दवा ना हो गई, कोई कैंडी हो गई कि तुम भी ले रहे हो तो मैं भी ले लेता हूँ. लेकिन हमेशा बिलाल भाई जब आते हैं ना, तो उनसे हम जब भी, एंड आई हैव सीन यू एंड हिज यू नो ऑन स्क्रीन फ्रिक्वेंसी, कि भाई बहुत ही जबरदस्त है, अब तो मुझे भी मजा आता है सवाल करने में. तो ऑब्वियसली आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पे फिर बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप खान बिलाल गिलानी साहब. वेलकम बिलाल भाई, एक दफा फिर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. तो कैसे ख्याल आया ये नीम हकीम खतरा जान वाला जो है वो सर्वे करने के लिए, कि भाई अगर किस उम्र के लोग, अफराद जो हैं बेसिकली इसमें शामिल थे और किस तरह के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे. जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा, मकसद यही था कि सेल्फ मेडिकेशन का इशू है. इसको जब एनालाइज करते हैं तो ये नज़र आता है कि आप उसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर्स तक रसाई ना होना है. तो जब लोग आसानी से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो, तो कोई ये ख्वाहिश होती है कि अच्छा अब हमें बीमारी है, जाना तो बहुत मुश्किल है. और ये वाली चीज़ ख्वातीन के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स तक रसाई पाकिस्तान में मुश्किल है, क्लिनिक्स दूर हैं, मर्द साथ ले जाने का एक स्टीरियोटाइप हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है. तो इस वजह से ख्वातीन की सेल्फ मेडिकेशन को सलाह ना पाई थी ये हमारे सर्वे. वेरी ग्रेट. तो बिलाल भाई, इसका मतलब खवातीन की आपने बात करती है, मुझे वैसी हंसी आ जाती है, क्योंकि वही वाली बात है, खवातीन जो है ना टोटक की, टोटकों की बात की, तो मैंने कहा वाकई में खवातीन ज़्यादा टोटके इस्तेमाल करती हैं, बट ऐसा नहीं है टोटके सारे ख़राब हैं, टोटके अच्छे भी होते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजरे हैं उनको भी आपको नहीं कहा. हाँ, वो मुझे पता है, तुमने मुझे नहीं कहा था. लेकिन देना ये बिलाल भाई, क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या था, हाउ डिड यू लाइक यू नो डिवाइडेड इट, किन किन शहरों से लिया था? बेसिकली खवातीन ने तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने कहा डिस्प्रीन लेती हैं, उसकी क्या वो वजह बताती है कि बस तबीयत खराब थी या बुखार था या नज़ला था या बस सब कुछ था और हमने ले ली?
बिल्कुल, तो ये सर्वे है, ये पूरे पाकिस्तान में हमने किया, और इसको सर्वे करने का तरीका हमारा ये है कि हमने तकरीबन 1700 अफराद को स्टेटिस्टिकली पूरे पाकिस्तान में चुना, जिसमें अर्बन इलाकों के लोग भी थे, रूरल इलाकों के भी, चारों प्रोविंसेस प्लस जीपी और एजेके के लोग भी शामिल थे। जो वजह लोग हमें ज़्यादातर बताते हैं कि हम बीमार हुए तो सेल्फ मेडिकेट क्यों किया, उसमें एक मेजर रीज़न ये है कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है डॉक्टर तक पहुंचने का, और हमने देखा है कि टेली मेडिसिन के नए तरीके आ रहे हैं, उससे ये वाला इशू थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। अब दूसरा, अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो इंक्रीजिंगली ऑनलाइन जाकर हेल्थ सीख कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि कोई अच्छी तशखीस करें डॉक्टर के पास जाकर, वो ये देखते हैं कि नेट पे क्या सोल्यूशन लिखा है, तो अगर डिसिप्लिन लिखी है। तीसरा एक मेजर प्रॉब्लम के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं और गूगल से पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं। इवन डॉक्टर से पहले हम पहले गूगल पे पूरी अपनी रिसर्च करते हैं और उसमें बहुत सारी बातें, क्योंकि गूगल भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बिलाल भाई कि अगर लोग पढ़ के भी थोड़ा जाते हैं, हाँ इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मुताला करके जाते हैं तो इसमें तो मेरे ख्याल कोई बुरी बात नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, जब हम डॉक्टर से इस इशू पे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है मगर अमल नहीं करना चाहिए। अमल जो है वो एक एक बहुत बड़ा इशू डिसिप्लिन के बारे में जानना जो है वो एक सिंबल के तौर पे था। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ डिसिप्लिन या कोई एस्प्रिन ड्रग नहीं है बल्कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक्स जो है उनका इस्तेमाल भी ऑलमोस्ट इसी तरह से हो रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ी वजह उनकी अवेलेबिलिटी है। दुनिया भर में जो इस तरह की ड्रग्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ओवर यूज हो रहा है, लोगों की सेहत खराब हो रही है, बल्कि ड्रग्स जो हैं वो रेजिस्टेंट भी होती जा रही हैं। तो उन बीमारियों का साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो ठीक कह रहे हैं आप बिलाल साहब, किया नहीं जा सकता क्योंकि हमने इतना ओवर यूज कर लिया। तो हम चाह रहे थे कि इस तरह इस इशू पर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इससे मुतालिक तमाम बातें, और हमें ये बता भी रहे हैं कि इस तरीके से कितनी बड़ी तादाद है जो ऐसे एस्प्रिन, डिस्प्रीन और मुख्तलिफ जो आपकी पेन किलर्स हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन डॉक्टर्स का इस बारे में क्या ख्याल है कि जो सेल्फ मेडिकेशन है ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है? यही सोचा जब उन्होंने कहा ना एस्प्रिन और डिस्प्रीन, और उन्होंने कहा ना एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक भी ऐसे ही लेते हैं जैसे कोई कैंडी हो, तो एक हमने सुबह ले ली, एक हमने रात ले ली। लेकिन वही वाली बात है ना, आप पढ़कर जाएं, आप नॉलेज हासिल करके जाएं, लेकिन जिन्होंने जिंदगियां लगा दी ना पढ़ पढ़ के किताबों में, वो हैं डॉक्टर्स और उनको हमसे बहुत ज्यादा पता है और बहुत बेहतर पता है, तो इसलिए हमें उनका ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने इनवाइट भी कर लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनरल फिजिशियन डॉक्टर उज़्मा हमीद साहब। और साहब कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। आप हमारी बातें सुन भी रही थी, उम्मीद है आपकी बात और बहुत कुछ आपके जहन में आ भी रहा होगा, तो हम आप ही को कहते हैं और पहला सवाल आपकी तरफ थ्रो करते हैं कि जितना भी सर्वे हो रहा है खवातीन का, ऑब्वियसली एस्पिरिन से लेकर, तो और कुछ रीच नहीं थी वो भी समझ नहीं आया था, एंटीबायोटिक से लेकर, ये तमाम चीजें क्यों, खुद सेल्फ मेडिकेशन क्यों? अच्छा, एक तो सर्वे में इन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि उनकी अप्रोच नहीं है या एक्सेस नहीं है, या फीमेल मुझे लगता है अपनी हेल्थ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हैं। वेरी गुड पॉइंट। और वो मतलब वो अगर देखें, मैं कहती हूँ कि वो घर की सरबरा हैं, घर को लुक आफ्टर करती हैं, तो उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो सही होंगी तो वो अपने बच्चों का, घर का ख्याल अच्छे से रख सकती हैं। तो और एक चीज़ जो एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जो सर का दर्द है वो कोई बीमारी नहीं है, सर का दर्द एक अलामत है, हमें उस किस वजह से वो हो रही है उसको पहले हमें देखना चाहिए, क्या चीज ट्रिगर करी। देखिए, आप दवा खाना इसका मकसद नहीं कि आपने दवा खाई, वो वक्ती तौर पे शायद आराम भी आ जाए, ठीक है, लेकिन वो फिर उठेगा क्योंकि आपने उसका रूट कॉज जो कि उसकी जड़ है हम उसको खत्म नहीं कर रहे। सेम एज फीवर, कि फीवर भी तब होता है जब आपकी बॉडी अलामत है, बिल्कुल इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन को हमने रूल आउट करना है कि किस जगह पे है ना। तो इस तरह से, और एक मैं आपको बताऊँ कि एक वजह सर दर्द की ये भी होती है कि अगर हम मेडिसिन इतनी ज्यादा लेना शुरू कर दें तो मेडिकेशन इंड्यूस हेडेक भी होता है, यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि अब हमें आराम नहीं आता, पहले हमें भाई दो गोली खाई हमें आराम आ जाता क्योंकि आपको सिस्टम इम्यून हो चुका होता है। उसमें क्या होता है, एक टॉलरेंस आपकी बॉडी डेवलप कर लेती है, एडिक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी इंड्यूस होता है सर का दर्द। तो उसको आप
किसी भी मामूली चीज को, एक होता है भाई नींद की कमी नहीं हुई, कमी है, आपने नींद पूरी कर ली, आपका सर का दर्द ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा हो, बार बार हो रहा है, फिर आपको डॉक्टर को जरूर जाके दिखाना चाहिए कि वो हो क्यों रहा है। अच्छा, और सेकंडली जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे पहले कि ये पैनाडॉल, डिस्प्रीन और ये तमाम दवाइयां, इवन एंटीबायोटिक्स भी हम लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर खा लेते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हम चाहते हैं कि लोगों को एटलीस्ट ये अवेयरनेस हो कि वो बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए ये मेडिसिन ना लें। अच्छा देखिए, सबसे पहले किसी भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो ओवर द काउंटर यानी कि जो आसानी से हमें मिल जाती है, अगर मैं एक पैरासिटामोल की बात करती हूँ, पैरासिटामोल अगर मैं लेती हूँ मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो शायद मुझे वक्ती तौर पे वो आराम दे देगी, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको कोई किडनी की डिजीज है, कोई लिवर की डिजीज है, अगर वो पैरासिटामोल लेता है तो वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है, या उसके किसी कॉम्पोनेंट से एलर्जिक है वो बंदा, तो वो एलर्जी से एलर्जी के लिए एक मामूली सी चीज भी उसको ट्रिगर मिल जाता है तो एक आपका एक रिएक्शन होता है, उससे भी जानलेवा हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, अगर हम यूज करें तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाती है, रेजिस्टेंट का मतलब जब नेक्स्ट टाइम जब हमें वाकई जरूरत होगी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर एक चीज होती है जब जीपी के पास जाते हैं आम पेशेंट्स तो एक चीज जरूर नजर आती है, और क्योंकि मैं बचपन से एंटीबायोटिक गला रहता था तो एंटीबायोटिक, लेकिन एक टाइम आया मैं डॉक्टर को बताना शुरू किया, और ये बात मैं सिर्फ आपके तवज्जो से इसलिए कह रही हूँ कि आप जरूर कहिएगा कि जब पेशेंट्स जब जाते हैं तो वो डॉक्टर को ये नहीं बताते कि आपका पेट कितना सेंसिटिव है एंटीबायोटिक्स को लेकर। अक्सर लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको वो फलाफला एंटीबायोटिक कैसे लेनी है, या आइदर वो सेंसिटिव है, तो इस सूरत में डॉक्टर को बताना कितना जरूरी है? देखिए, जब यही बात है कि आप डॉक्टर से कुछ ना छुपाएं तो आपका इलाज बड़े अच्छे से हो सकता है, क्योंकि आप उसको एक कंप्लीट हिस्ट्री देंगे ना, क्योंकि डॉक्टर को कोई इल्हाम तो हो नहीं रहा है, जो आप बताएंगे वो ही करेगा, या आपसे अगर वो इंक्वायर करता है तो आप उसको सही इन्फॉर्मेशन दें तो आपका इलाज एक तो एक सही होगा और आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज से मुझे एलर्जी है तो सबसे पहले डॉक्टर को अपना बताना चाहिए, अगर डॉक्टर भूल भी जाता है हिस्ट्री में तो आपको बताना चाहिए कि मैं इससे एलर्जिक हूँ या मुझे इस फूड से मसला होता है, तो आप ये चीजों को अपनी हिस्ट्री में जरूर बताएं किसी चीज से भी, डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। और सेकंडली, अब हम आजकल देख रहे हैं कोविड की वजह से बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया है ये मेडिसिन लेने का, कि हमें क्योंकि हर एक को हम देख रहे हैं कि ये नजला जुकाम बुखार सब कुछ हो रहा है, तो कोविड की सूरत हाल में आपके ख्याल में क्या करना चाहिए सब लोगों को? देखिए, कोविड की सूरत हाल में बहुत सारे अभी हम ऑनलाइन टेलीमेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, आप एक तो ये है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल माइल्ड फीवर है, माइल्ड फीवर से मुराद ये है कि 99, ठीक है, अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो फिर अपने आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको माइल्ड फीवर है और आप उसमें आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, लेकिन अगर वो आपका सेटल नहीं हो रहा फिर आपको एक दो दिन के बाद अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। इसी तरह से आप कोविड के अंदर क्या है कि क्योंकि एक वायरल डिजीज है, इसमें ना ही आपने कोई आपको फीवर हुआ, आपने एक मैंने देखा था कि लोगों ने जो इसके ऊपर एक पूरी प्रिस्क्रिप्शन सर्कुलेट हो रही थी जिसमें एंटीबायोटिक वगैरह आप ये सब फॉलो कर लें। देखिए, फॉर एग्जांपल हम कोविड को भी कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर। माइल्ड मॉडरेट को तो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सिवियर को हम मैनेज घर पे नहीं कर सकते, वी हैव टू रेफर देम टू द हॉस्पिटल्स। तो हमने खुद ये चीजें अपने हाथ में नहीं लेनी है। और हम कब जाते हैं? जब चीजें खराब हो जाती हैं, अल्लाह ना करे, फिर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे फिर डॉक्टर बहुत बड़ी नेमत होते हैं ऑब्वियसली, और इस तरह अल्लाह की जो कुदरती जो नेमत है ना वो है पानी, और पानी की अहमियत जो है हम लोगों को शायद एहसास भी होता है लेकिन वो वाली बात है ना, परसिस्ट नहीं कर पाते। और मैं बचपन में ना, मुझे आदत थी अम्मा की तरफ से, अम्मा हमेशा कहती थी कि बारिश अगर होती है तो मैं पतीलियां रख दिया करती थी लॉन में जाके ना, कि बारिश का पानी जो है ना इकट्ठा करने की है, ये मैं काम करती थी, और मैं पानी उसको इकट्ठा करके फिर उसको बॉटल्स में शिफ्ट करती थी और फिर मैं वो पीती थी बड़े मजे से वो पानी, लेकिन मुझे पसंद बहुत था। लेकिन देन अगेन, इतने बड़े पैमाने पर जो है वो पानी की जो है वो उसको उसको जमा करना उस बारिश के पानी को, फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करना, क्योंकि वही वाली बात है कि पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। असल बात ये कि ये एहसास की बात है कि उनको ये एहसास है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद की रिहायशी शाहिदा कौशल साहिबा, जिन्होंने ये कोशिश की कि जो बारिश का पानी है, दुनिया भर में ऐसा किया जाता है कि मुख्तलिफ जो टंकियां होती हैं उनके जरिए पानी को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज बाकायदा पूरे जो है वो टंकियां लगाई जाती हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने भी कोशिश की कि जो बारिश का पानी है वो जाया ना हो, जब बरसात का मौसम हो तो तमाम बारिश का पानी स्टोर कर लिया जाए, वो पूरा साल यही पानी फिर इस्तेमाल भी
भी करती हैं। हाँ, नहीं हाजिर को इतना मजेदार होता है। बारिश का पानी पिया है वैसे कभी? नहीं मैंने पिया नहीं, ट्राई करूंगा। खैर हम इसी माहौल के तहफ़ और अवामी मसाइल के हल के लिए भी वो माशाल्लाह सरगर्म है, तो शाहिदा साहिबा से हम बात भी करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने हमें शुभ सवेर पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। सबसे पहले बताइएगा ये कितने दिन आपने पानी स्टोर किया है अब तक और वो कितना अर्सा चल जाता है, कुछ इस हवाले से बताइएगा, और फिर आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा सीवरेज वो कैपेसिटी नहीं है। हमने तीन टैंक लगाए हैं जिसमें 3,000 के करीब गैलन पानी जमा हो जाता है, जो हम प्लांटेशन के लिए, कपड़े धोने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ों से भी जो पानी 3 दफ़ा ज़ाहिर साफ होता है तो उसमें तीसरे पानी से घर की सफाई वगैरह दूसरी चीज़ें। तो मैंने शुरू से ये एहसास किया कि पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जब हम इस्लामाबाद आए 26 ईयर्स बैक तो मैंने यहाँ देखा बहुत बारिशें होती थी। मैं कराची से आई थी तो कराची में तो पानी की शुरू से ही बहुत कमी रही है, तो फिर मैंने कहा इस पानी को बचाना चाहिए। फिर हमने अपने अकल से किया और ये तीन टैंक लगाए तो छत को साफ करके ये पानी जमा करते रहे हम लोग। और फिर CDA वगैरह से बात होती रही, उन्होंने भी कहा होना चाहिए। फिर मैंने OPF गर्ल्स कॉलेज में और बॉयज़ कॉलेज में बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई, जिनको 50-50,000 गैलन पानी बचता है, और वहाँ टैंक भी लगा के दिए। और फिर उसके साथ साथ हम प्लांटेशन करते हैं, ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज लगा देते हैं। तो ये हमारी मुहिम काफ़ी सालों से चल रही है। और उसमें ये है कि फिर सिटी स्कूल में लगा के दिया तो सिटी स्कूल में भी ज़ाहिर ज़ताजगुल साहिब आई थी, ताकि हुकूमत तक भी ये बात पहुँचे कि बारिश का पानी किस तरह बचाना चाहिए। तो वहाँ फिर वो काफ़ी कन्विंस है, उनके 200 ब्रांचेज हैं। ये COVID-19 आने से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था हम सारे ब्रांचेस में ये चलाएंगे, लगाएंगे और प्लांटेशन भी करेंगे। तो हमारी तो ऑन गोइंग कैंपेन है और अभी भी हम PCR WR के साथ काम कर रहे हैं जी। बहन जी, आप 1990 से जी मैं कह रही हूँ कि एक तो मैं आप बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, और मैं ये भी कह रही हूँ कि आप 1990 से ये काम कर रही हैं। और बारिश का पानी वैसे ही इतना लजीज भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी इफादियत अल्लाह की तरफ से कुदरती, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदे भी हैं, लेकिन इस पानी को साफ रखने के लिए आप क्या करती हैं? नहीं देखिए, साफ़ रखने के लिए इसीलिए हमने PCR WR से कांटेक्ट किया, और क्योंकि टेक्निकली तो वो बता सकते हैं, उनके पास सारी टेक्निकल टीम है, और ताकि हम बड़े पैमाने पे और लोगों में भी अवेयरनेस आकर उनको प्रोवाइड कर सके टेक्निकल असिस्टेंस के किस तरह बारिश के पानी को बचाया जाए। उसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो बारिश के पानी को बचाएं, दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और तीसरा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। क्योंकि आपको पता है कि हर घर में आजकल उन्होंने खोद के ड्रिलिंग की हुई है, फिर वो पानी इतना जाया करते हैं, वो समझते हैं हमारा अपना पानी, अगर से बहस की जाए ऐसा ही है। तो और फिर नीचे जाते जा रहे हैं, तो उसका हल ये है कि आप जैसे बैटरी को रिचार्ज करते हैं, इसी तरह ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग करें। उस पानी को जब बारिश होती है हम दोबारा उसमें किस्सा डाल के, क्योंकि जब आप जितना डीप जाएंगे उसके बाद जमीन का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और इसकी मिसाल अल्लाह वाला मार्केट है जो गिरी थी, इसी वजह से कि वहाँ काफ़ी बोरिंग हुई थी और जमीन का मॉइस्चर खत्म हुआ, तो बिल्डिंग्स गिरेंगी और ये सारी चीजें गिरेंगी। अब इस सूरत हाल का लोगों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि पानी सबसे बड़ी नेमत है। आपको बहुत सारी खवातीन इस वक्त सुन रही हैं और जो घरों के अंदर बैठी हैं और आपको देख रही हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, मैं चाहूंगा कि आप उनको कुछ मशवरा भी दें, क्योंकि अगर कोई ऐसी खवातीन है जो ये करना चाहती हैं तो उनको ये पता लग सके कि इसका कितना खर्चा आता है। अगर वो छोटे पैमाने पर करना चाह रही हैं, कुछ पानी स्टोर करना चाह रही हैं, तो कर भी सकती हैं। उसको उसका आगाज कैसे करना है, पहला स्टेप क्या है, तो मैं चाहूंगा आपको जरा स्टेप पे बता दें और खर्चा कितना आता है सब पे। उसका पहला स्टेप तो ये है कि आप छत को बिल्कुल साफ रखें, और छत के नीचे से आपका पाइप जा रहा है उसके नीचे आप टैंक लगा दें। बिल्कुल वो तो आसान तरीका है कि आप उसको जमा कर सकते हैं पानी को। उसमें फिर जाहिर है वो टैप लगे होते, उससे करके आप कपड़े धो लें और पानी बचा लें या जो भी काम। साफ पानी पीने के लिए जो आप कहते हैं बारिश का पानी बहुत बड़ी नेमत है, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन हवा में हमारे इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि आप पहले पानी काफी तेज बारिश हो, जब वो खत्म हो उसके बाद जो बारिश हो उस पानी को आप बचाएं। और इस पानी को भी साफ करने के लिए या तो फिटकरी डाली जाती है, या फिर आप जो है क्या कहते हैं उसके जो और तरीके हैं, ये PCR WR से अभी हमने ये भी निकलवाने के और क्या तरीके हैं कि बारिश के पानी को, क्योंकि आप देखें आप लोग कितनी मिनरल वाटर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें दो नुकसान है, क्योंकि मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। क्या तो आप वो लगवा लें जो
दूसरा ये कि इतनी ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, जी फिल्टर प्लांट लगा लें, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है बॉटल्स वगैरह का, जो हमारे आप देखें समंदर तबाह हो गए, हर चीज प्लास्टिक से तबाह हो रही है, तो उसको और फिर अब ये भी रिसर्च आ रही है कि अगर बॉटल आप रख दें गाड़ी में और वो पानी पिए तो उससे आपको कैंसर हो रहा है, तो लोगों को ये पता ही नहीं है, उन्होंने आसानी ढूंढ ली, एक बोतल खरीद पी लिया फेंक दिया, तो मैं इसके सख्त खिलाफ मजबूर है, ये पानी यही बॉटल से मिलता है, खासतौर पर आप तो करीमी, आपको पता है कराची में बड़ी परेशानी होती है, पानी पीने का अलग खरीदना पड़ता है और जो इस्तेमाल का पानी अलग खरीदना पड़ता है, जरा हमें बता दें पानी पीना फिर कौन सा चाहिए, हम क्या करें भाई? जैसे फिल्टर का मैंने आपको बताया ना, आप इतनी सी तकलीफ आप उठा लें कि आप अपनी बोतल शीशे की या दूसरे जो वो आते हैं वो ले लें, उससे पानी भर के ले जाएं, लेकिन वो अब इतनी वो कोशिश कौन करे, लेकिन इस ये करना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा आप देखें क्लाइमेट चेंज है, कितनी तबाही आ रही है, आपको पता है पानी को अगर हम नहीं बचाएंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे तो फूड क्राइसिस होंगे, और आगे यही कहा जा रहा है कि लोग खाना छीनेंगे ना आपसे, ये जेवर का पैसा पड़ा रह जाएगा, तो आपको इन चीजों पे प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए। और खवातीन को मैं ये मैसेज दूंगी, मैं एक इको वुमन मूवमेंट चला रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उसकी जिंदा मसाल हूँ कि मैं खुद करती थी, तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स में और एनवायरमेंट पे आ गए, तो आप एक तो ये कि खवातीन को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह एनर्जी कंजर्व करनी है, हमें प्लास्टिक जी शायद जी ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह इतना पानी आपके पास होता भी है और आप इसको इकट्ठा भी करती हैं, ये बताइएगा कि ये जो पानी है ये किन किन चीजों में आप यूज करती हैं, क्या खाने पकाने में यूज कर लेती हैं, क्या आप ऑब्वियसली प्लांटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके अलावा इस पानी को किसी और तरीके से यूज या री यूज करती हैं? जी मैं हम इनसे कपड़े धोते हैं, पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और क्या कहते हैं बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और फिर जब ये पानी तीन हम लोग टब जो है रखते हैं उसमें ज़ाहिर तीन दफा कपड़े साफ होने होते हैं, वो तीनों पानी रहता है स्टोर, उसको टॉयलेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर की सफाई के लिए, गाड़ी की सफाई के लिए, तो आप सोचे कि हर घर अगर 1,000 गैलन पानी बचाएगा तो करोड़ों की आबादी है, तो हुकूमत को हमें आवाम को ये प्रेशराइज करना चाहिए कि छोटे डैम बनाए जी, छोटे डैम बनाए और अपने तौर से आप क्या कर सकते हैं, लोगों के बड़े बड़े फार्म है उस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, अब यही कैंपेन हम चला रहे हैं के यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में, अभी हमने पीएसबी में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में डीजी को कन्विंस किया है कि यहाँ पे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, तो PCRWR को भेजा है, वो सारा उन्होंने प्लान बना के देंगे, तो बस वो यही कहते हैं कि जी अभी शायदा साहिबा अगले साल के लिए आप बेहतरीन किरदार निभा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अवेयरनेस फैला रही हैं, हम इस पर आपको वाकई सलाम पेश करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला, हमें आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी बहुत अच्छा काम, और आप बहुत प्यारी भी हैं माशाल्लाह से, और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इस्लामाबाद की रिहायशी लेकिन कराची से ज़रूर रखने वाली हूँ कि कितने तरसे भी होते हैं कराची वाले बारिश को, लेकिन बहुत सारे मौसम में और खबरों में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ, शाज़िब और माइक करें आपका इंतजार। सवेरे पाकिस्तान मेगा सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ, बिकॉज फैसलाबाद टेक्सटाइल में जो इंक्रीज हुआ है वो देखते हैं कि अब इस सेक्टर में अच्छी खबर आपके साथ जो शेयर करने वाली है वो ये है कि जुलाई 2021 तो दिसंबर 2021 तक टेक्सटाइल की बरामदात में रिकॉर्ड जो है वो इजाफा देखा गया, और ये चीज एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारी। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि तकरीबन बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है टेक्सटाइल्स में, और माली साल 2021-22 की अगर हम बात करें तो 1,93 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 26% इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात हैं उसकी पहली सहमाही में, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब हमारी बरामदात भी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड की वजह से बहुत मुतासर हुई थी, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी ये, और जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो बहुत कम हो गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खासतौर पर, तो इसका रिकवर होना बहुत जरूरी है। तो शाह साहब, क्या ये कहना सही होगा कि टेक्सटाइल की इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में इसके कितना फायदा हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना आपको खुश आमदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में,
सर, सबसे पहले तो जो हम जिक्र कर रहे हैं कि कोविड की वजह से हमने देखा कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी मुतासर हुई थी, तो उसके बाद अब जो ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ है बरामदात में, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये रिकवरी हो गई है? देखें, मैं थोड़ा सा स्टार्ट लूँगा, जैसे कि ऑलरेडी आपने इशारे बताए हैं कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है ये फिस्कल ईयर 2021 के जो फर्स्ट सिक्स मंथ्स का। जब कोविड आया तो कोविड से पहले भी इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने जो नारा लगाया था टेक्सटाइल पॉलिसी के इसी के रिगार्डिंग और टेक्सटाइल मसनूआत बरामद करने के रिगार्डिंग में, तो उन्होंने यही कहा था कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये वाहिद गवर्नमेंट ऐसी आई थी कि जिन्होंने पिछले द्वार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन्होंने इन रियल सेंस, इन ट्रू सेंस इस सेक्टर को पूरी तवज्जो दी है। और इसी का नतीजा है कि कोविड आने के बाद इमरान खान साहब ही वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इनिशिएटिव लिया और अपनी जो सनतें हैं उसको बरवक़्त खोल दिया। और ये उसी का रिजल्ट है कि जब पूरी दुनिया के ममालिक जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो बांग्लादेश है, इंडिया है, वो उस वक्त बंद थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लेके पाकिस्तान की सनतों को खोला और हमें मौका दिया कि जो गैप था उसको हम फिल कर सकें। और उस गैप को फिर जब हमने फिल किया तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो हम पे डेवलप हुआ और ये हर गुजरते हुए महीने के साथ हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के जो नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस सेक्टर को पर्टिकुलरली मैं डील कर रहा हूँ, ये वैल्यू एडिड की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। और हमारा होजरी सेक्टर जो है ये इसके अंदर सिर्फ 35% की ग्रोथ देखी गई है जो कि हाईएस्ट नंबर है। अगर टेक्सटाइल को देखा जाए और टेक्सटाइल के अंदर होजरी सेक्टर को देखा जाए तो हमारा सेक्टर जो गारमेंट्स का सेक्टर है इसके अंदर बेतहाशा ग्रोथ है। और आने वाले वक्तों में भी हम यही तसव्वुर कर रहे हैं कि जिस रेशो के साथ हर महीने हमारे नंबर्स बढ़े हैं, आने वाले वक्तों में भी इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ती रहेंगी। ग्रेट। अच्छा, तो काश सर ये बताइए कि टेक्सटाइल बरामदात में मजीद इजाफे के लिए किन इकदामात की इस वक्त जरूरत है? देखें, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए अच्छी खबर है, वहाँ पे कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि जो हमारी राह में रुकावट बनती है। नो डाउट मुश्किलात जो हैं वो हमारे मुल्क में ऑलरेडी हैं, बहुत ज़्यादा फेस भी कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और पीटीआई गवर्नमेंट जब इन पावर हुई थी आते साथ इन्होंने ये नारा दिया था और फैसलाबाद से इन्होंने क्लीन स्वीप इसी बेस पे किया था कि टेक्सटाइल पॉलिसी देने जा रहे हैं। और ये वो पॉलिसी थी 5 साल के जिसकी बेस के ऊपर हम आने वाले वक्तों में फोरकास्ट कर सकते थे कि हमारी बिजली की प्राइसिस क्या होंगी, हमारे गैस की प्राइसिस क्या होंगी, हमारे टैक्सेशन क्या होगी और कौन से रोड मैप्स ऐसे होंगे कि जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल गुजर चुके, बारहा गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर प्रेशराइज भी किया गया, उनसे मीटिंग्स भी की गई कि खुदारा इस पॉलिसी को जल्द अज जल्द ले आए और अब तो सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं और इस 2 साल में भी 1.5 से 2 साल का वक्फा जो है, अगर इसके टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं आएगी तो इसकी बहुत ज्यादा रिटेलिएशन फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काशी साहब, इसके साथ ये भी बताया कि टेक्सटाइल के अलावा जो दीगर पाकिस्तानी मसनूआत है उसकी एक्सपोर्ट का रुझान कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज। देखें, ये बहुत क्वेश्चन है और मैं ये कहूंगा कि 60% की पिछले 4 महीनों की जो नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ग्रोथ देखी गई है। आईटी सेक्टर को लिया जाए तो उसका एनुअल जो हमारे पिछले टर्नओवर से वो $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी जिसका टारगेट सेट किया गया $4 बिलियन का। और रजाक दाऊद साहब ने कैटेगोरिकली, हमारी लास्ट वीक भी मीटिंग हुई है उसके अंदर यही उन्होंने बोला है कि जो नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और जो डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएगा और ऐसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगा जहाँ पे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, उसके ऊपर DLTL के जो अमाउंट है वो नॉर्मली टेक्सटाइल के ऊपर 2+2 4% चलती है, उसके ऊपर उन्होंने इंडिया दिया है कि ये उनको 5% और 6% तक भी बेनिफिट देंगे एक्सपोर्टर को, जो नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होंगी, जो डाइवर्सिफिकेशन होगी, जो नई मार्केट की इनोवेशन होगी अगर उनको लेकर आएंगे। और पिछले 4 माह के आपको मैंने बताया कि 60% की ग्रोथ है। अब पाकिस्तान से मोबाइल फोन्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, IT के जो सॉफ्टवेयर हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेगुलर एक्सपोर्ट से हम भी बहुत खुश हैं इस पर कि वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ रही है वो भी कोविड के दिनों के बाद, तो वाकई ये खुश। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़िया साहब, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दी कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, साथ में हम देख भी रहे हैं कि रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है बरामदात में, तो इस तरीके से हमारी बरामदात बढ़ती रहे। और हम जब दूसरी जानिब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं।
जिस्मानी ज़हनी सेहत, इन सब के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को माया? भाई सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका घर में बच्चा जो है वो किसी भी एज का हो, अगर 2-3 साल से और वो टीनेजर तक वो हो और वो हर वक्त सोफे पर या कहीं बेड पर या कहीं कोने में आपको पाया जा रहा हो एक पैड आईपैड के साथ, एक टैबलेट या एक फ़ोन के साथ, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी ग्रोथ पर, उनके दिमाग पर, उनकी सोच पर और आगे उनके फ्यूचर पे किस तरह के नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। और जिस किस्म की आजकल बीमारियां फैल रही हैं उसके लिए कुव्वत मुदाफ़त भी बच्चों की बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी सेहत जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए हम सबको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि मुख्तलिफ हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको जो है वो मसरूफ़ रखें, साथ साथ गेम्स में भी उनको लेके जाएँ। लेकिन जिमनास्टिक जो हम देख रहे हैं, जो माया जहाँ पर गई उन्होंने विजिट किया एक ऐसा क्लब जहाँ पर जिमनास्टिक कराया जाता है बच्चों को, तो वहाँ पर माया ने क्या एक्सपीरियंस किया और बच्चे क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपको आउटडोर लेकर आने की वजह बताते हैं और वजह यह है कि देखिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कोविड चल रहा है और ऑब्वियसली इस चैलेंज को हमने बहुत हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के साथ हैंडल करना है। लेकिन एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के साथ साथ अगर हेल्दी बॉडी भी हो तो कितनी अच्छी बात हो। बड़ों के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अलबत्ता टाइनी जिमनास्ट का एक ग्रुप है जो बेसिकली बच्चों के लिए हफ्ते में 3 दिन एक ऐसी वर्कशॉप डिज़ाइन कर बैठ कर एक्टिविटी सबको दिखा रहा है और कर रहा है जो बेसिकली बच्चों के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन हैरानी मुझे ये है कि बच्चे जिस तरीके से शौक के साथ, क्योंकि हम अक्सर नोटिस करते हैं और शो पे भी बताते हैं कि भाई वो फ़ोन में लगे हुए हैं, अपने टैबलेट्स में लगे हुए हैं या घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं हैरान हूँ कुछ बच्चों को देखकर कि वाकई में वो अपने घरों से निकल रहे हैं, उनके पेरेंट्स एफर्ट लगा रहे हैं और जो यहाँ पर ये ग्रुप है ये कितना मेहनत के साथ इन लोगों को ट्रेन भी करता है और बच्चे जो हैं वो हेल्दी भी हैं साथ साथ। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं टाइनी जिमनास्ट से। मुलाकात करवाते हैं जारा और उनकी बहन ताहिरा से जो इस सारे काम को और एक्टिविटी को सरंजाम दे रही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और साथ साथ ये आइडिया क्यों कंसीव किया, कैसे किया, क्या चैलेंजेस आए, आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहां बच्चे टैब को लेकर आज के वक्त में बैठे हुए हैं, व्हाट इज द आइडिया एंड व्हाट्स द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज कि बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट किया जाए। आपको पता ही होगा कि जिमनास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट में जाना चाहते हो, इनिशियली आपको एक स्ट्रेंथ, कोर और फ्लेक्सिबिलिटी देने में आपकी मदद करता है, स्पेशली इन कोविड। तो जब हमने स्टार्ट किया, दरअसल इनको बहुत शौक था मेरी छोटी बहन को, फिर जब कोविड हुआ तो हमने सोचा कि जो है एक व्हाई नॉट बच्चों का एक करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कोविड में बच्चे आपको पता है हर वक्त स्क्रीन के आगे, स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज है, यही कह रहे होते हैं यार क्या बच्चे बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है कहीं जाने से। अरे ऑनेस्टली हमारे यहाँ जाने को बहुत सारी जगह है भी नहीं, बच्चे करें तो क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है। एंड प्लस जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी भी वो कोविड ने कुचल के रख दी, तो आई फील रियली बैड फॉर दिस जनरेशन कि ये पेरेंट्स का बिल्कुल कोविड टाइम्स में कि वो घर बैठे हुए हैं और मतलब जो उनके हंसने खेलने की बाग में घूमने की उम्र है उस उम्र में दे आर सिटिंग एट होम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स, तो बचपन एक तरह से बिल्कुल छिन गया उनका, चला गया उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, उनके मसल्स नहीं खुलेंगे, उनका वो हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड वाली सिचुएशन है कि क्योंकि हम लोग का पिट्टू गरम खेलने वाली नस्ल है, हम पकड़न पकड़ाई, बर्फ पानी, छुपन छुपाई खेलने वाली जनरेशन है, तो बच्चों को तो हम कभी कहते हैं छुपन छुपाई, व्हाट इज छुपन छुपाई, व्हाट इज हाइड एंड सीक, बच्चे छुपन छुपाई हाइड एंड सीक हो चुकी है, वैसे पेरेंट्स के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं और कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो बर्फ पानी हम खो खो खेलते थे बिल्कुल वो सारे गेम्स जो है वो अब कहीं ऑब्सोलीट हो गए हैं, बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं,
सो एक्चुअली कमेंडेबल यार, कंग्रेचुलेशंस, आई मस्ट से थैंक यू, थैंक यू कर रहे हो. हमें सब कुछ बताइए कि किस तरह कैसे बच्चे आ सकते हैं, क्या बताना चाह रही हैं, प्लीज डिटेल में बताइए ताकि लोगों को पता हो कि भाई क्यों नहीं जिमनास्टिक्स इतना जो है पाकिस्तान में होता है. देखें, सिंस हमने ये स्टार्ट किया तब हमें खुद पता चला कि लाइकिंग बहुत ज़्यादा है. देर आर किड्स जिन्होंने हमारे पास बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और अब वो लेवल 3 पे भी जा चुके हैं. सो लेवल 3 इज़ अ गुड लेवल जिसके अंदर बच्चे काफ़ी कुछ करते हैं. बट मसला ये है कि हमारे पास इवेंट्स कम होते हैं, सपोर्ट बहुत कम किया जाता है, उसकी पब्लिसिटी कम की जाती है. वजह यह है कि आई थिंक एक स्पोर्ट मशहूर हो गई है हमारे मुल्क में, वो है क्रिकेट, और उसके बाद फिर किसी और के अंदर, किसी और स्पोर्ट में उस तरीके से जा ही नहीं है. बट आई थिंक हर स्पोर्ट की एक अपनी जगह होती है एंड जिमनास्टिक इज समथिंग, इसकी ब्यूटी ये है कि आपको हर स्पोर्ट के लिए ना ये स्ट्रेंथ करता है, तैयार करता है. बिल्कुल करता है, 100%. सारा मुझे बात बताइए कि बच्चे कब आ सकते हैं, कैसे आपसे रابطہ कर सकते हैं, पेरेंट्स को किस तरह हम पुश करें कि घरों से निकलें. वी हैव अ पेज ऑन फेसबुक, वी हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम. द एज ग्रुप वी केटर इज, जो एज ग्रुप हम केटर करते हैं वो 3 to 15 है. अच्छा, 3 साल से 15 साल के बच्चे आ सकते हैं. कोई ऐसा है कि आप सिर्फ किसी खास स्कूल से, किसी ग्रुप से? नो, बिल्कुल भी नहीं. कोई भी आ सकता है. एनीवन विजिटिंग कराची? बिल्कुल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. ऐसा जो ये ग्रुप है इसमें कितने, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं? फ्रॉम टू वी हैव 4+ से स्टार्ट होते हैं और फिर हमारे पास 12 साल के भी बच्चे हैं. ऑल्दो हमारा 15 तक जाते हैं, लेकिन आई थिंक हमारे सीनियर मोस्ट भी इस वक्त 12 साल के हैं. ओके, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. आज ही आपने जाना है, आपने इनके इंस्टा पे, फेसबुक पे कांटेक्ट करना है कि जी हम अपने बच्चे को लेकर आना चाहते हैं. एड्रेस बताएं, टाइम बताएं, लोकेशन बताएं, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ इंतज़ार मत करें. बच्चों के लिए बहुत हेल्दी काम कर रही हैं दोनों, सीरियसली इन लोगों के. आई एम सो सुपर सुपर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम. क्या बात है भाई, जबरदस्त. हम देख रहे थे कि बच्चे वाकई ये फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ रहे. खैर, हम यहाँ छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं आपके साथ जो भी शेयर करनी है. वेलकम बैक सबसे पहले पाकिस्तान में. आप हमें देख रहे हैं और आप, हम जिक्र करेंगे फनकारों का, और फनकारों के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और पीटीआई गवर्नमेंट खास तौर पर उनके लिए काम इसलिए कर रही है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे फनकार जिनको अम का सफीर कहा जाता है वो बदहाली का शिकार होते हैं, परेशानियां उन पर आ जाती हैं, और जब उनको मुआवजे नहीं मिलते तो उनकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है. और इस तरीके से जाहिर है जब वो ड्रामास में काम नहीं कर रहे होते और उनके प्लेस अब रुक जाते हैं तो फिर उनको घरों पर बैठे हुए जो उन्होंने काम किया होता है, जो उनकी सर्विसेज होती हैं ड्रामास के लिए, प्लेस के लिए, उसका मुआवजा उनको मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं. वो रॉयल्टी उनको मिलना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए इत्तला तो नशरियाती कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद साहब की जानिब से पेश करदा आर्टिस्ट रॉयल्टी रेजोल्यूशन को सेनेट के 317वें इजलास में मंजूर किया गया है. तो हमारा सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि क्या इसको मंजूर करने के बाद फनकारों के हालात बेहतर होंगे माया या नहीं? बहुत ज़रूरी सवाल है ये, क्योंकि आर्टिस्ट बरादरी जिसमें मैं भी शामिल रही हूँ, बहुत सारी वजूहत होती हैं काम ना मिलने की. कभी उनको जो है वो फायर कर दिया जाता है बगैर किसी बेसिस पे, कभी उनको काम उनका रुक दिया जाता है, और इनसे काम ले भी लेते हैं, उनको अपनी मेहनत के अवज़ जो है वो उनका मुआवजा बेसिक ही नहीं मिलता. तो रॉयल्टी जो दोबारा यानी मुआवजे वाली बात आती है, तो लोगों के लिए सब ये ख्वाब था जो अब लगता है कि शायद सच होने वाला है. बिल्कुल, अब हमें यकीन है अगर ये रेजोल्यूशन भी पास किया
किया गया है, मंजूर किया गया है, तो उसके बाद ये जो इनकी रॉयल्टी है वो मिल सकेगी। और बाकायदा दोबारा मुआवजा देने से मुतालिक कानून साजी करवाने का ऐलान किया गया था। इसमें मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत अच्छी खबर आ रही है खासतौर पर फनकारों के लिए, वो तो वाकई बदहाली का शिकार हो जाते थे और उनको मुआवजा नहीं मिलता था दोबारा। उनके जितने वो ड्रामाज हैं, उनकी जितनी सर्विसेज हैं, वो काम करने के बाद वो बैठ जाते थे घरों पर और उनको किसी किस्म का मुआवजा नहीं मिलता, तो अब ये मुमकिन हो सकेगा सर? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप दोनों को। बात यह है कि इसमें अभी तीन चार चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। नंबर वन ये है कि 1960s का जो कॉपीराइट एक्ट है उसमें तरमीम करना नागुजीर है, और वो तरमीम करना और उसके अंदर आर्टिस्ट की जो डेफिनेशन है उसको खोलना भी ज़रूरी है, और वो ये है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक एक्टर भी है, एक राइटर भी है, एक म्यूजिशियन भी है, एक सिंगर भी है, एक एडिटर भी है, एक डायरेक्टर भी है, और बड़ी वसी इसकी एक डेफिनेशन है। एक तो ये सारे लोग जो इस शोबे से मुंसलिक हैं वो आर्टिस्ट हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर उनकी डेफिनेशन को कॉपीराइट एक्ट के अंदर चेंज करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दो तीन तरामीम करना और भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं ये एक रास्ता खुला है, ये एक ओपनिंग मिली है, जो रेजोल्यूशन यूनानिमसली सेनेट ने पास किया है ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये हतमी कामयाबी नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न PTV 1980s में और 1990s में इर्द गिर्द वो रॉयल्टीज़ देता था आर्टिस्ट को। बेहतरीन काम किया हमारे अदाकारों ने, बेहतरीन हमारे राइटर्स ने लिखा, आज भी PTV उन ड्रामों को चला रहा है, यानी कि बार बार फ्रीक्वेंटली उन्होंने रीरन किए हैं वो ड्रामे, और इश्तिहार भी चलते हैं उनके अंदर और रेवेन्यू भी मिलता है PTV को। लेकिन ये जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतना मायानास काम किया है इनको इनका शेयर नहीं मिलता। तो हमने PTV को कल स्टैंडिंग कमेटी में ये सिफारिश की है कि आप कम से कम रॉयल्टीज देना शुरू कर दें जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस थी 80s के अंदर। तो अब बहुत से लोग हैं, बहुत सी मिसालें हैं, पिछले दिनों इंतकाल हुआ रशीद नाज साहब का, कमाल के अदाकार थे, बहुत काम किया उन्होंने, और उन्हीं के ड्रामे, उन्हीं के हमारे बाकी जो लेजेंड्स हैं लैला जाफरी थी, पुराने ड्रामे वो हिंदुस्तान में बाकी इंटरनेशनली कई जगहों पर उनको अकेडमीज के अंदर दिखाया गया। तो इस पाए का, इस मयार का काम हुआ है, लेकिन इन आर्टिस्ट को रीरन होने पे प्रोग्राम जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता है, चाहे वो चैनल के ऊपर होता है, चाहे वो OTT के ऊपर होता है, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर जाता है मोनेटाइज्ड होता है, तो जो उनको शेयर है उसमें से मिल रहा है रेवेन्यू वो बना रहे हैं उसमें से आर्टिस्ट को भी शेयर दें। बिल्कुल, और फैसल साहब यहाँ पर जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं आर्टिस्ट का जिक्र, फनकार का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें वो तमाम सिंगर्स भी शामिल हैं, कंपोजर्स भी शामिल हैं, राइटर्स भी शामिल हैं, डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, वो तमाम लोग अदाकार तो शामिल ऑलरेडी हैं ही, इन सबको अब रॉयल्टी मिल सकेगी, मुआवजा मिल सकेगा? जी हाँ बिल्कुल, ये जो आर्टिस्ट की डेफिनेशन है इसको खोलने की ज़रूरत है, और इसमें ये सब लोग आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, राइटर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, एडिटर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं। और आप यकीन कीजिए जो हमारे मुल्क में जिस सतह का काम हुआ है, अब वो ड्रामे राशिद डार, नुसरत ठाकुर और इसके साथ साथ औरिया मकबूल जान ने ड्रामे लिखे, फिर यावर हयात के ड्रामे, मतलब इतने ज़्यादा हमारे मुल्क में इतना पाए का काम हुआ है कि अब उनकी, अगर वो खुद जिंदा नहीं है वो लोग उनमें से कुछ, तो उनकी फैमिलीज हैं उनको रॉयल्टी जानी चाहिए। वो जो काम हुआ है ना वो बहुत कमाल का हुआ है, और वही काम दुनिया को सिखा रहा है, लेकिन उनको वन टाइम पेमेंट मिली है। मैं आपको ये बताऊं दुनिया में क्या होता है, तो एक तो अव्वल तो आर्टिस्ट को भी एक थोड़ा सा उनकी गुजारिश ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसको पढ़ा करें, यहाँ तो खैर कोई निकाहनामा भी नहीं देखता है, पढ़ता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि क्या रॉयल्टीज रखी गई हैं, उसमें क्या टर्म्स तय की गई, और उसमें मतलब पहली दफा आपको जब एक ब्रॉडकास्ट हुआ है प्रोग्राम उसका, तो आपको 100% मिल गया, ठीक है बात खत्म हो गई। उसके बाद होता है तो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज तय हो सकती है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम बस कर देते हैं साइन और काम शुरू कर देते हैं। अच्छा फैज साहब ये भी बताएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ से ये लिंक भी कर देता हूँ कि महंगाई सर बढ़ गई है और हम सबको पता है कि महंगाई बढ़ गई है, कुछ जो मुआवजे हैं उनमें भी इजाफा होना बहुत ज़रूरी है, तो फनकारों के लिए कुछ इस हवाले से भी काम किया जा रहा है कि जो चेक उनको पहले मिलते थे उसमें कोई इजाफा किया जा रहा है? देखिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं, ये बड़ा आपने अच्छा एक पॉइंट उठाया है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो मुआवजा आर्टिस्ट का बढ़ना चाहिए, सरकारी सतह पर तो आप यही कर सकते हैं ना कि पीटीवी जो प्रोग्राम करता है, या पीटीवी अब तो प्रोडक्शंस का ड्रामे नहीं बना रहा है, लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शंस को चाहिए कि दे आर मेकिंग, अब यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहे हैं वो, एक एक ड्रामे के 15-15 मिलियन व्यूज़ हैं और मोनेटाइज्ड है। आप देख रहे हैं आजकल ड्रामे जो हैं उन्होंने तो तबाही मचाई हुई है, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आर्टिस्ट के मुआवजे को भी बढ़ाना चाहिए। और एंकर पर्सन की जो ये जो मैं न्यूज एंकर पर्सन की नहीं कह रहा, मैं मॉर्निंग शो के एंकर पर्सन की कह रहा हूँ, इनकी भी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, आप मुझसे एग्री करेंगे। लेकिन ये हुआ क्या माजी में, ये देखें मकसूद चपड़ासी को तो 400 करोड़ पे उसके अकाउंट में चले जाते हैं, ये मकसूद चपड़ासी और ये जो 16 अरब रुपए इनके नौकरों के अकाउंट्स में जाते हैं, तनख्वाह इनकी कुछ है नहीं, 25,000 से कम तनख्वाह है, लेकिन 400 करोड़ रुपया मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में से निकलना है, ये हिसाब देने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जो सिस्टम चला आया था, जो काम करने वाले लोग, एक और आप चीज़ देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, आप कभी सर्दी में या गर्मी में एक मजदूर को देखें जो बिल्डिंग के ऊपर मुश्किल काम कर रहा है, खासतौर पर गर्मियों में इतना उसने गर्मी में, उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं, और एक हमारी तरह के लोग जो एसी में बैठे हुए हैं आराम से काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हमें एक तो हमने ये काम किया कि हमने मिनिमम जो वेज है वो बढ़ाई है, और साथ ही में हम हर खानदान को टेक्निकल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम हर खानदान को इलाज की सहूलत फ्री करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और साथ ही में हम 40% जो खानदान है उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं थ्रू राशन कार्ड। इन इकदामात के साथ साथ अब महंगाई आने वाले दिनों में नीचे जाएगी, लेकिन ये जो आर्टिस्ट के मसले हैं ना, इस पे कोई बोलता नहीं है, इस पे कोई बात नहीं करता, इसको कोई टेकअप नहीं करता। अच्छा फैसल, और उसकी वजह ये है, जी जी एक सवाल इजाजत के साथ, आपने भी बात की कि जाहिर है आर्टिस्ट में सारी कैटेगरीज आती हैं, ऑब्वियसली एंकर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, ऑब्वियसली जितने भी लोग इस पे प्रोडक्शन में शामिल होते हैं वो आते हैं। लकीली फॉर्चुनेटली मेरा दोनों से ताल्लुक रहा है, आर्टिस्ट बरादरी से भी, एंकरशिप से भी, वो तमाम आर्टिस्ट और एंकर्स जिनको किसी ना किसी बुनियाद पर बग़ैर किसी दोनों तरफ देखे हुए या दोनों हकाइक उनके सामने रखे हुए, उनको उनके प्रोजेक्ट्स उनसे ले लिए जाते हैं, उनको ड्रामों से निकाल दिया जाता है या उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, इस तरह की आर्टिस्ट बरादरी अब तक किसी के पास नहीं जा सकती थी, बिकॉज उनको डर होता था कि भाई किसके पास जाएंगे। क्या इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है माया, आप बहुत पुराना काम कर रही है और आपके ड्रामे भी चले हैं पीटीवी पे भी, और फिर अगर दोबारा चलते हैं तो आपको रॉयल्टीज तो नहीं मिलती है। इसी तरह अगर जो किसी को निकाल देते हैं, तो मैं एक बिल लेकर के आया पेमरा के अंदर, और मेरा वो बिल जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की और वो नहीं पास हो सका, वो इसी चीज़ के ऊपर था कि कोई किसी को निकाल नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करनी ज़रूरी है और तनख्वाहें टाइम पे देना ज़रूरी है। ये मेरा बड़ा अच्छा बिल था और मैंने हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अब वो जो कूलिंग पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, 6 महीने होता है, उससे ज़्यादा हो चुकी है, अभी अगले हफ्ते मैं दोबारा ये बिल लेके आ रहा हूँ, और ये बिल में एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि अगर किसी मीडिया पर्सन को अचानक किसी ने निकाल दिया है, तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे वो जाके शिकायत कर सकेगा और उसका अजाला हो सकेगा, और अगर किसी की तनख्वाह
लेट दे रहे हैं उस पे भी वो जा सकेगा। हाँ। तो एक कमीशन एक किस किस्म की चीज बनने जा रही है और एक और बिल भी पैरेलल चल रहा है, लेकिन साथ में एक अच्छा फवाद चौधरी ने एक कमाल काम किया है, जो अभी ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो मैडम शीरी मजारी और फवाद चौधरी साहब जो है इन्होंने बड़ी मेहनत की इस पे और ये आ गया है, लेकिन मजीद चीजें होनी है। लेकिन वक्त देखें हमारे यहाँ मीडिया बड़ी तेजी से, माया आप तो देखती रहिए, इवॉल्व कर गया, बहुत तेजी से ऊपर चला गया जी, तो जी, और साथ में हमने ना इसके इसकी लिखत पढ़त नहीं की है, मतलब लिखत पढ़त से मुराद हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। मीडिया बहुत, अब सोशल मीडिया है वो पागल हुआ हुआ है, वो बड़ा तेजी से पागल हुआ हुआ है, लेकिन हमें साथ ही में उसके साथ ना लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब सुबह आपको याद होगा मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी प्रोग्राम करते थे और सुबह आप प्रोग्राम करते हैं, आप अच्छा करते हैं कि लोगों को थोड़ा लाइटर मूड में आप रखते हैं, क्योंकि अगर सुबह सुबह आप टेंशन दे देना लोगों को तो पूरा दिन अजीब सा गुजरेगा, तो ये अच्छा आप कर रहे हैं आप दोनों, आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हम पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को तमाम पॉजिटिव खबरें हम सब देख सके दे सके। हाँ। और यही कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले पाकिस्तान में आपने ज्वाइन किया, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट बिल, थैंक यू वेरी मच सर। तो हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से अब कहा जा रहा है फनकारों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है और उम्मीद करते हैं कि जो फनकारों के हालात हैं, क्योंकि हमें भी बहुत दुख होता है उनके हालात देखने के बाद, जिनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए जो उनके लिए जरूरी है वो अब ऐसा मुमकिन हो सकेगा आगे चलकर, तो ये एक अच्छी खबर थी। तो हमने बहुत अच्छी खबर है शाज़िब, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो सब बैठे हुए हैं, उनके ड्रामे जिस तरह के फैसल साहब ने फरमाया कि रीरन्स होते रहते चलते रहते हैं, और हमें एक सवाल रह गया, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूछेंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट गानों में शामिल होते हैं, वीडियोज में, ओएसटी में शामिल होते हैं, वो भी उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, शायद इसी बहाने से उनके चूल्हे जो सब ठंडे पड़े हुए हैं दोबारा से जल पड़े हैं, उनके घर में शायद आटे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत रहे, होपफुली इंशाल्लाह। तो हुकूमत की जानिब से कामयाब प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इनिशिएटिव लिए गए थे वो भी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। बात हम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कामयाब तरीन अवामी प्रोजेक्ट की, पिशावर BRT में सफर करने वालों की तादाद बढ़ने लगी है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं उससे खूब। यौमिया सफरी एदाद शुमार में बेहद इजाफा देखने में आया, बताया जा रहा है कि यौमिया BRT में सफर करने वालों की तादाद 254,000 से तजावज कर गई है। माया तो बहुत अच्छी बात है, इससे कबल BRT में जो औसत 236,000 से ज्यादा मुसाफरों का सफर जारी था। इसी मामले पर आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, बिल्कुल गेस्ट बिल्कुल मौजूद है, तर्जुमान BRT पेशा अहमद उमेर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर खान साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे सर, सबसे पहले तो बताएगा ये तादाद कितनी है यौमिया BRT में सफर करने वालों की, और इससे जाहरी बात है आमदनी में भी इजाफा हुआ होगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, की बहुत शुक्रिया आपका भाई जी, अल्लाह ताला का बहुत बेहद शुक्र है कि BRT पेशावर एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का और अवाम के वसीत मफाद में। हमारे जो यौमिया तादाद शुमार में दिन ब दिन इजाफा देखने में आया और रिकॉर्ड 254,000 से ज्यादा लोग इसमें यौमिया सफर कर रहे हैं। 9 मुनफरद रूट्स हैं जो कि यूजर बेस्ड हैं, कम्यूटर बेस्ड बनाए हुए हैं, मजीद 158 बसेज ताहाल चल रही हैं, 16 घंटे की नॉन स्टॉप सर्विस है, तो एक बेहतरीन सफरी सहूलत है जो पेशावर के शहरियों की अच्छी जरूरत थी और बेहतरीन सफरी सहूलत उनको यह मैसर है। जबरदस्त, ये देखने में आ रहा है कि इस वक्त ऑब्वियसली क्वालिटी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि, लेकिन वो वाली बात है कि तमाम रूट्स क्या बहाल कर दिए गए हैं, प्लीज उमेर साहब भी बताइएगा, साथ साथ क्या मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के बाद बसों की तादाद बढ़ाने पर भी कोई गौर हो रहा है? जी बिल्कुल, मुसाफिरों की तादाद जहाँ बढ़ रही है वहाँ पे हमारे जो एग्जिस्टिंग दो रूट्स हैं स्पेसिफिकली एक्सप्रेस रूट और स्टॉपिंग रूट, उसके हमने टाइमिंग में भी इजाफा कर दिया ताकि लोग मैक्सिमम उसे फैसिलिटेट हो सकें। इस प्रोजेक्ट में 220 बसेज शामिल हैं, अभी ताहाल 158 बसेज इसमें चल रही हैं, मजीद जो 62 बसेज हैं वरामा साल इंशाल्लाह सिस्टम का हिस्सा होंगी और जैसे मजीद बसेज आ जाएंगी मजीद रूट्स को भी फाल किया जाएगा। अभी तक 5 फीडर रूट्स जो हैं वो चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ पेशावर हम कवर कर रहे हैं, अपार्ट जो कॉरिडोर है कॉरिडोर 27 किलोमीटर के साथ फीडर रूट चलते हैं, तो हम हमारी कोशिश है कि एवरी नुक कॉर्नर ऑफ द सिटी तक हमारी सर्विस को लेकर जाया जा सके। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि मजीद बसेस भी सिस्टम का हिस्सा होंगी और मजीद रूट भी फाल किए जाएंगे और साथ में ये भी बता दें कि शहर में जो चलने वाली पुरानी बसें सर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, उनको रोका जा रहा है जो ट्रैफिक में भी रवानी मुतासर करती हैं साथ में हादसात का बायस भी बनती हैं?
जी बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया आपने जी। हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट एसोसिएटेड था जिसको हम बर्क कहते हैं, बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चर, और इस प्रोजेक्ट के तहत 350 अब तक हम जो है पुरानी बसें और वैगन को स्क्रैप कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम केटी में हो रहा है जिसमें फोर्ड वैगन हैं, बसेज हैं जो पुरानी चलती थी, 200 से ज्यादा जो है वो वैगन अब तक स्क्रैप हो चुकी हैं, 150 से ज्यादा जो है वो बसेस स्क्रैप की जा चुकी हैं, और ना सिर्फ स्क्रैप किया है, इनके जो मालकान हैं उनको इसके अगेंस्ट अदायगियां भी की हैं, बिजनेस कंपनसेशन लॉस भी दिया है, और इसके साथ साथ जो शहर में फजाई आलूदगी है, जो ट्रैफिक के दबाव में जो कमी है वो बहुत ज्यादा देखने में आई है। और हम चूंकि ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है या BRT पिशावर है जो हमारी डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेज हैं, तो हमारा जो पर्पज है वो लोगों को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो ट्रांसपोर्ट देना, और साथ साथ ये है कि जो पुरानी बसेज है और वैगन को हम स्क्रैप कर रहे हैं। जबरदस्त पिशावर BRT की जो है ये सक्सेस देखकर पूरा पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानी बेहद खुश हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उबैर खान, हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान BRT पिशावर। अच्छी बात ये है कि ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये माहौल तहफ्फुज़ के लिए बहुत जरूरी है कि हम पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें। वो तमाम वैगने वो बसें जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रही है, तो माहौल के तहफ्फुज़ के लिए तमाम इकदाम बहुत जरूरी हैं। और शाहज़ीब, मैं जब इस तरह की कोई चीज़ देखती हूँ इसमें ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो दिल चाहता है कि खुद भी जाके सफर करें ना, खुद भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, हमें आइडिया हो कि किस तरह सफर, क्योंकि जब हम शेयर करेंगे ऑब्वियसली एक आम आवाम की तरह हम सफर करेंगे, तो उसमें जो है हमारी एक अपना एक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस अलग शामिल होगा, हमारा फीडबैक अलग होगा, जिसमें हम आवाम जो है पाकिस्तान की ऑब्वियसली इकोनॉमी भी तो फायदा होगा। मैं कह भी सकता हूँ गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो होम। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है और वो ये है कि आप और मैं जो है कहते हैं ना, जब तक सांस है जब तक आस है, तो सांस हमारी चल रही है, सांस को जो है वो हिफाजत कीजिए, सांस की मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिस रखिए, और साथ में वैक्सीनेशन पर जरूर जोर दीजिए। प्लीज अपना रखिएगा ख्याल, और शाज़ीब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।